नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश भर में जो आंदोलन चल रहा है अग्निपथ सेवा लेकर के। तो वैसे में यदि आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो, इस समय जो है कोविड से भी ज्यादा परेशानी हो गया है कहीं भी जाने आने के लिए। यदि आप ट्रेन का टिकट बनाए थे कहीं जाने के लिए, तो काफी जगह से बिल्कुल ट्रेन रद्द हो चुका है। तो ऐसे में यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका जो टिकट बना हुआ था ट्रेन रद्द है या फिर चलेगी, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले, दो तीन तरीका बताने वाले जिसके मदद से आप जो है चेक कर सकते हो सब किस तरीके से आपको रिफंड मिलेगा पैसा यदि आप टिकट बना लिए थे, तो सारा ए टू जेड प्रोसेस बताने वाले। तो आसान तरीका आपको बताने वाले रेलवे इंक्वायरी करने के लिए, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट से कुछ भी पूछताछ करना चाहते हो तो 139 पे कॉल करके आप जो डायरेक्ट कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। चाहे आपको पीएनआर संबंधित जानकारी लेना हो, ट्रेन से रिलेटेड जानकारी लेना हो, और भी किसी भी तरह का स्टेटस यदि आप पाना चाहते हैं, तो आप 139 पे कॉल करके बिल्कुल फ्री है, आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओगे और गूगल सर्च में आपको जाकर के टाइप करना पीएनआर स्टेटस, और यहाँ पे आपको अपना पीएनआर नंबर टाइप करके सर्च कर लेना है। पीएनआर नंबर टाइप कर दोगे उसके बाद आपको कैप्चा वगैरह कुछ फिल करने को ऑप्शन दिखाई देगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने में पूरा का पूरा स्टेटस आ जाएगा, जिससे आप पूरा जानकारी हासिल कर सकते हो, ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक और तरीका जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर वजह से आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको ट्रेन नंबर टाइप कर देना है। ट्रेन नंबर टाइप करने के बाद किस स्टेशन से आप जाना चाहते थे और अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल जो है आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद यदि आप रिफंड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हो, कि आप टिकट ऑनलाइन बनाए थे या फिर आप काउंटर से बनाए थे, कितने दिन में आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको IRCTC के नंबर पे कॉल करके पता करना होगा। तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पे आपको कॉल करना है। यदि ये नंबर एक बार में नहीं लगता तो आपको दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करना है, आपका फोन लग जाएगा और उसके बाद आप सारा जानकारी हासिल कर सकते हो। इस तरीके से समझा जाएगा कि कब पैसा मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कितना अमाउंट कटेगा, कर देगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अपडेट आपको बिल्कुल समझ में होगा कि किस तरीके से हम ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जो है रिफंड से रिलेटेड जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल घर बैठे पता लगा सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहो। तो आते फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।